हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जोकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज के अंदर जोकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम, सुनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलोन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर अरनिया वाली वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। बलबीर सिंह जी। माननीय स्पीकर साहब, मैंने पिछले बार भी सदन में रखा था कि मेरे हल्के इसराना में बस स्टैंड, रेस्ट हाउस और तहसील की बिल्डिंग नहीं है। यहां दो मंत्रियों के द्वारा स्वीकार किया गया था कि 21-3-2022 तक इन बिल्डिंगों को पूरा किया जाएगा। मैंने जब भी पूछा था कि जब आपने आज तक काम शुरू ही नहीं करवाया तो आप उस समय तक पूरा कैसे करोगे। मैं आपके माध्यम से उन मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं सरकार से कि 31 मार्च आने में 3 महीने का समय लगभग है। जब वहां एक ईंट भी किसी इमारत बनाने के लिए नहीं रखी गई, क्या बिल्डिंग बनाई जाएंगी? ये बात मंत्रियों जी द्वारा कही गई है, सत्य होगी? या मंत्री जी ने जो बनाने का विश्वास दिलाया गया था बिल्डिंग बनेगी ये सत्य होगी या नहीं बनेगी ये झूठी बात साबित होगी? कौन सी बात होगी ये मैं आपके माध्यम से तो ये कहना चाहता हूं। और एक मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसान आंदोलन की बात चली, लगभग 15 महीने किसान सड़कों पर आया, 715 किसान शहीद हुए। सरकार ने जब हम विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम कांग्रेस के विधायक और अन्य हमारे विधायक साथी जब यहां ठोक ठोक कर विधानसभा के अंदर कह रहे थे कि ये तीनों काले कानून नहीं चलने वाले हैं, आप किसानों पर ये आप नाजायज तरीके से पेश मत करो, आपने उस समय कहा था ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं और ये सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार ये कहा था कि ये कानून पास हो गए वापिस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये बात कही थी। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बताता हूं कि ये कानून जो वापिस हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त करता हूं कि सरकार ये भी प्रस्ताव करे कि जो भी किसान वहां शहीद हुए हैं उन किसान के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए, मैं ये मांग भी करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो किसान वहां हाथ पैर से अपंग हुए, सरकार की लाठियों द्वारा जालिम तरीके से पीटा गया, हाथ पैर तोड़े गए, जिन किसानों को चोट लगी है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को कम से कम 10 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, ये आपके माध्यम से ये भी मांग करता हूं। और मैं एक बात और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहां जैसे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, मेरे हल्का इसराना में और प्रदेश में काफी जगह सड़कें टूटी हुई हैं। हमने अपना प्रश्न लगाया था, लगभग 15 विधायकों ने परंतु हमारा और रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि मेरे हल्के की जो सड़कें हैं उनका सर्वे करवाकर उन्हें बनाने की। धन्यवाद, धन्यवाद जी। श्री प्रदीप चौधरी जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, जो हमारे सड़कें बनती हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, सड़कें बनती हैं और साथ ही टूटने शुरू हो जाती हैं। और आपने, आपको पता भी होगा, हमारे कल भी यहाँ मीटिंग थी, हमारा जो मल्ला मोड़ से नंदपुर केदारपुर को जो रोड बन रही है वहाँ, वहाँ कल भी लोग इकट्ठे हुए, पहले भी बहुत 2-3 बार वहाँ धरने प्रदर्शन हुए, तो ठेकेदार पेमेंट लेने की जल्दी कर रहा लोगों को, वो सड़क टूटनी शुरू होगी।
इसी तरह हमारा जो कालका तक मंदिर तक पिंजौर से मल्ला मोड़ सारा रोड टूटा पड़ा है, तो तकरीबन बहुत सी सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं सारे विधानसभा क्षेत्र की, तो वह कब तक बनेगी? मैंने क्वेश्चन भी ये विधानसभा में भेजा था। इसी तरह हमारे यहाँ रोडवेज के मंत्री नहीं हैं, हमारी बसें जो हैं वह भी अधिकतर बहुत खराब है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बस मांदना खेड़ा बागड़ा खराब होगी, एक मोरनी खराब होगी, 10-10 किलोमीटर बच्चों को स्कूल से पैदल जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह लगातार हमारे नशे का जो कारोबार है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने में प्रशासन अभी पूरी तरह कमर नहीं कसी। इस कारण हमारे यहाँ जो एक हाल ही में घटना घटी, 2-3 दिन पहले एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी से वहाँ उसका मुकाबला किया। और जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है, हमारी तकरीबन पिंजौर से लेकर और कालका काली माता के मंदिर तक लाइट स्ट्रीट लाइटों का जरूरी होना बहुत है, क्योंकि सारा कारोबार उस रोड पर है। इसी तरह हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं, हमारे कालका कॉलेज का स्टेडियम बने हुए काफ़ी देर होगी, उद्घाटन भी हो चुका है, क्या वह लोगों के लिए कोई सुविधा उसमें जाने के लिए अभी तक नहीं हुई? अभी तक वह वहाँ बैन लगा रखा है, बंद कर रखा है, स्टेडियम खोला जाए, लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारे बिजली मंत्री भी बैठे हैं, हमारी बहुत सी ऐसी चौपाले हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, जहां साइड पर खंभे हैं, उन्होंने ऊपर डबल बनानी होती है मंजर, लेकिन आपके अधिकारी उस पर कोई आई गई नहीं देते, कई जगह बहुत तारें लटकी हुई हैं। तो जब कोई विधायक आपके अधिकारियों से कहें, आप उनको आदेश करें कि हम तो लोगों की मांग उठाते हैं, उस पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पंचकूला में अध्यक्ष महोदय आप भी अच्छी तरह जानते हैं, गेस्ट टीचर हों, वोकेशनल टीचर हों, आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, ये लगातार वहाँ धरने प्रदर्शन देने पर इनकी मांग है कि हमें सरकार ने हमारे से 2018 में वायदा किया था कि आपकी डिमांडें मानी जाएंगी, लेकिन वह भी कहीं नहीं मानी जा रही। आप इस पर भी विशेष तौर से ध्यान दें। और मैं जो नंबरदार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लगातार 2 साल से नए नंबरदारों की नियुक्ति बंद है और पुराने नंबरदारों पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकाने का काम कर रहा है, इस पर भी सरकार, उनको जो देहात में बड़े आदर मान सम्मान से उन नंबरदारों को देखा जाता था, आज कहीं ना कहीं उनके सिर पर भी तलवार लटक रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। मोहम्मद इलियासी। सदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सदर साहब, जैसा कि आपको आपके संज्ञान में भी मामला है और हमारा सारा देश जानता है कि आज से लगभग 100 साल पहले, अलियास जी एक छोटी सी, एक मिनट के लिए एक सूचना अभी जो आई थी कि शायद चैनल को बंद किया गया है, सूचना मिली थी कि 4 लोग जो अनऑथराइज्ड वे से वो इसको चैनल अपने यहाँ चला रहे थे, उनकी इंक्वायरी हमने शुरू की है, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए और हम इसको बंद रखेंगे। क्या ये तो बोलते नहीं क्या, क्या लिंक बंद रखेंगे? लिंक, हाँ, ऊपर से जो लिंक दे रहे हैं वो बंद करेंगे, लाइव लिंक बंद करेंगे। नहीं, बोलिए 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 बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जानता है, सारा सदन जानता है, 100 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और जब अंग्रेजों की जातियों ने जन्म दिया, जब हिंदुस्तान के जनता के प्रति उन्होंने जुल्म करना शुरू किया, तो देश ने ये महसूस किया कि अबे हमने अपना देश आजाद कराना है, हमें गुलाम नहीं रहना, और उस वक्त जो इस देश के अंदर जातियां बस रही थी, जो आज भी मौजूद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर ये संकल्प लिया था कि हमने अपना देश आजाद करना है, और वो संकल्प जो है वो पूरा हुआ, हिंदुस्तान के जो है सपने पूरे हुए, जिसमें सबने मिलकर जो है वो अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो शहीद कराया, जिसमें मुसलमान भी पीछे नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रपिता, स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेवात में गए थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और खासतौर से मेव भाइयों, जिसको
जिससे मैं संबंध रखता हूं, कि आप लोग हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग अगर पाकिस्तान चले गए तो हमारा देश अधूरा रह जाएगा, हम अधूरे रह जाएंगे। और हमने उसकी बात पर, हमारी सारे बुजुर्गों ने उसकी बात पर फूल चलाए और हम अपने देश में रहे, चूंकि हमारा देश था, आज भी है और आगे रहेगा और पहले था। आज बड़े अफसोस की बात है, हम इससे पहले ये समझते रहे थे कि कुछ पार्टियों के लोग गलत अनासिर जो है आज हमारे जो है वो धार्मिक उसमें धर्म में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये, आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी और उनका बयान जो है बड़ा खेलपूर्ण जो बयान जो उन्होंने दिया, तो हमें ये पता लगा कि उस वक्त हमें अफसोस हुआ। काश अगर हम उस वक्त नहीं हार जाते तो आज हमें ये दुख झेलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, साहब बहादुर आप कृपया करके ही एक मिनट मुझे सुन लें। एक देहाती दोहा है, बाढ़ कर ही खेत को खेत बाढ़ है खाए, और राजा हो चोरी करे न्याय कौन कर जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हमने सुना, आखिर हम फैसले कहां जाए। हम तो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से ही दरखास्त कर सकते, निवेदन कर सकते, मुख्यमंत्री जी हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे, कृपा करके हमारे धर्म की रक्षा करो और उन गलत अनासिर के साथ उनको सजा दो। आप हमें नमाज पढ़ने के लिए मेहरबानी करके, चाहे वो गुड़गावा हो चाहे देश का कोई हिस्सा है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उसमें ये बाकायदा मौलिक अधिकार हमें सब जातियों के लिए हुए थे, जिसमें हम भी शामिल है। कृपा करें हमें नमाज पढ़ने की इजाजत गुड़गावा में दी जाए, पूरे देश में दी जाए। धन्यवाद। नहीं साहब प्लीज, अभी धन्यवाद कर दिए, एक मिनट तो हुई नहीं, एक मिनट क्यों, चार मिनट एक मिनट कहा हुई साहब, मैच घड़ी सामने हो, देखो 439 पे शुरू हुआ, 443 हो गए। साहब बहादुर बात ये है, हाँ जी, पहले तो मैं डिप्टी वजीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस बारे में मुख्यमंत्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीछे मैंने दो सड़कें जीत में मांग करता रहा था, उन पर काम चालू हो गया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का भी और डिप्टी अपने सीएम साहब का भी, दुष्यंत जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आगे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मांगे मैंने सदन में मांगता रहा हूँ, अब चुका फिर बोल देंगे भाई हूँ खड़ा हो जाए, इसलिए बोल मोड़ करके सबको इकट्ठा ही कह देता हूँ। अगर आप 2 मिनट दे दो, नहीं नहीं, हो गया तो ये दे दो आप लिख। अब वैसे भी प्रश्न का जो ये शून्यकाल है खत्म हो गया। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है। वो जो मैंने प्रस्ताव दे रखा है अंडर रूल 171 MSP पे, हाँ, कि जो हम यहाँ से प्रस्ताव करके भेजे केंद्र सरकार को, नहीं, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसे अध्यक्ष जी? ये प्रस्ताव, ये विषय केंद्र का है, हमारा केंद्र का है। अध्यक्ष जी केंद्र सरकार, जब हम यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेज सकते हैं, तो तीन का ये कृषि कानून बने, हाँ, उसका तो यहाँ प्रस्ताव आ गया, उस टाइम केंद्र का नहीं था ये। नहीं, धन्यवाद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा और पंजाब दो प्रदेश ऐसे पूरे देश का पेट पालता है यहाँ का किसान, ठीक है, उनके बात नहीं सुनोगे तो कौन सुनोगे, ये बड़ा इशू इम्पोर्टेंट है। कोई बात ध्यान, ये जो है इसका जब तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया है तो हमारी प्रदेश की क्या मंशा है, कि हम किसानों के प्रति हमारी क्या मंशा हम रखते हैं, वो हमारे को पास करके जो है वो केंद्र तय करता है, प्रदेश सरकार नहीं करती। अध्यक्ष एमएसपी केंद्र तय करता है। प्रस्ताव का मतलब क्या है अध्यक्ष जी? अंडर वन रूल 171 यही तो है कि हम उनको प्रस्ताव पास करके भेजे, सिफारिश भेजे, जैसे आपने धन्यवाद करके भेजा था, हम सिफारिश कर दें, ये कोई नेगेटिव तो है नहीं इसमें, हम आपको ये तो कह नहीं रहे कि आप धन्यवाद प्रस्ताव वापस लो, विचार करेंगे आप। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11, फिर इसका मतलब विचारधीन है, अभी विचारधीन है अध्यक्ष जी, बहुत, ये सारा हरियाणा देख रहा है अध्यक्ष जी, ठीक है, ये आपके ऊपर आएगी बात। नहीं, मैंने कहा ये बहुत, और प्रस्ताव का मतलब अभी इसके ऊपर कोई निर्णय हमने नहीं किया, ये सिफारिश है अध्यक्ष जी, हम थोड़ा कानून बनाएंगे, ठीक है, सिफारिश करके हम केंद्र को भेजेंगे,